हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर। 151 किलो के सुपरस्टार की चीटिंग से हुई चौंकाने वाली हार। WWE स्मैकडाउन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फैंस को उनकी प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते स्मैकडाउन में के टूर्नामेंट में दोनों सेमीफाइनल मैचों में बड़े उलटफेर देखे गए और अब दो उभरते हुए स्टार्स फाइनल में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में पहला सेमीफाइनल मैच बुच और सैंटोस इस्कोबार के बीच हुआ। मैच के दौरान बड़ी स्क्रीन पर द ब्लडलाइन को ड्रू मैकइंटायर और केविन ओवेंस पर हमला करते हुए दिखाया गया। वहीं जेलिना वेगा ने रेफरी का ध्यान भटकाया, तभी लिगाडो डेल फैंटासामा के मेंबर्स ने बुच पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर इस्कोबार ने बुच को पिन करने में सफलता पाई। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भी बाहरी दखल देखा गया, जिसमें ब्राउन स्ट्रोमैन का सामना रिकोसे से हुआ। इस समय पर स्ट्रोमैन अच्छी बढ़त हासिल कर चुके थे, तभी द एम्पीरियम की एंट्री हुई। इससे द मॉनिस्टर अमंग मैन का ध्यान भटक गया था, इसी वजह से रिकोसे ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें पिन किया। इस मैच के खत्म होने के बाद गुंथर ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्ट्रोमैन पर अटैक करना जारी रखा, लेकिन रिकोसे ने आकर उन्हें बचाया। इसके बाद दोनों ने हाथ भी मिलाया और इस लम्हे को क्राउड ने जबरदस्त तरीके से चीयर भी किया। अब अपने अपने मैच जीतकर रिकोसे और इस्कोबार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। आपको याद दिला दें कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सुपरस्टार को मौजूदा WWE ICC चैंपियन गुंथर के खिलाफ टाइटल शॉट मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि रनर अप को बीच मझधार में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल तक के सफर में उन्हें भी मजबूत दिखाया गया है, इसलिए रनर अप के पुश के जारी रहने की भी उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते WWE स्मैकडाउन में होगा वर्ल्ड कप का फाइनल। आपको याद दिला दें कि इस स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में भारत की ओर से जिंदर महल, पाकिस्तान के मुस्तफा अली, कनाडा के सैमी जेन और जापान के शिंसुके नाकामुरा ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। दुर्भाग्यवश ये चारों सुपरस्टार पहले राउंड में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। खैर, अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी होंगी, जैसे सर्वाइवर सीरीज बार गेम से अगले स्मैकडाउन में होना है। रिकोसे और सैंटोस इस्कोबार को इस टूर्नामेंट के जरिए बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि कौन गुंथर के खिलाफ चैंपियनशिप मैच हासिल कर पाता है। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।